नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्रंट पार्ट में हम किस तरह से पैड को अटैच करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। 36 साइज के मैं आपको ब्लाउज का ये स्टिचिंग वीडियो बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए, इसका फ्रंट पार्ट है और ये यहाँ पर स्लीव है और ये इसका बैक पार्ट है। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने आपको पिछले बार में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। और इसके बैक पार्ट का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक है, इसको हम ले लेते हैं। यहाँ से मैंने देखिए वन टक्स का यहाँ पर ये लगा रखा है निशान, और इसकी चौड़ाई हम यहाँ ले लेंगे। ये देखिए, लगभग मैंने यहाँ पर पौन इंची एक साइड लिया है और पौन इंची मैंने एक साइड लिया है, और इस तरह से इसको मिलाएँगे। ये देखिए, और इस पार्ट को हम इस तरह से मिला के रखते हुए दूसरी साइड पे यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं, दोनों ही पार्ट में हमारे निशान आ चुके हैं। ये पैड हम एक साइड रख देते हैं, और ये जो सेम मार्किंग है हमें इस पर भी लगा लेनी है। इसको हम इस तरह से बराबर करके रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ये सेम निशान हमने इस तरह से लगा लिए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर पे ये टक्स लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे इसको और यहाँ से हम टक्स को लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड के हमने टक्स को लगा लिया है, और लगाने के बाद में सेम इसी तरह से इस पर भी हम लगा लेंगे प्लेट्स को। तो ये देखिए, दोनों साइड से हमारे यहाँ पर प्लेट्स को लगा लिया है मैंने, और अब हम ले लेंगे यहाँ पर इसको अस्तर को। तो देखिए, इसकी दोनों साइड को मिला के हमने रख लेना है, और अब हमें यहाँ से रखते हुए इसके गले को यहाँ से स्टिच कर लेना है, और नीचे की साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। मैंने अस्तर को नीचे की साइड रखा है, और इसकी दोनों की साइड को मिलाते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, इसके किनारे किनारे एक तरह का मार्जिन रखते हुए। यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगा ली है, और अब इसके किनारे किनारे नीचे की साइड से हम रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से मिलाते हुए। तो देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा दी है, और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। ऊपर की साइड में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे गोलाई वाले हिस्से में। और इसको हम इस तरह से लेते हुए सीधा कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको यहाँ से सीधा कर दिया है। ऊपर की साइड में हम सिलाई लगाएंगे, नीचे की साइड में लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, हमने इसको बना लिया है, यहाँ से हमने इसको रख लिया है, और अब हमें करने हैं ये पैड अटैच। तो ये देखिए पैड है, और इसका ये सीधा साइड है और ये इसका उल्टा साइड है। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से इसका सेंटर निकाल लेंगे।
ये देखिए ये सेंटर निकाल लिया हमने। इस तरह से अब इसको हम रख लेंगे। देखिए ये सीधा कर लिया मैंने और इसको हम इसके अंदर डालेंगे। हाँ, इस तरह से सेट कर लेंगे। अब इसको उल्टा करके रखेंगे हम। अब देखिए ये सेंटर वाली लाइन जो है हमारा, जो हमने सेंटर का निशान लगाया था, ये देख सकते हैं इस तरह से, ये सेंटर वाला लाइन हमारा यहाँ पर आएगा इस वाले इसमें यहाँ से। अब इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। देखिए सेंटर से पॉइंट मिला लिया। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम सेट कर लेंगे। देखिए निशान हमारा कुछ इस तरह से लगा हुआ है, इसको यहाँ से हमने सेट कर लिया है। और अब हम सुई में धागा डाल लेते हैं। देखिए मैंने सुई में ये धागा डाल लिया है और यहाँ से हमने सेंटर पॉइंट जो लगाया था इसका, इसको इस तरह से सेंटर पॉइंट पे मिला के इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम टाका लगा देंगे। टाका हमने यहाँ से लगा दिया है, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। उसे हम इसी तरह से इधर भी लगा लेंगे। देखिए यहाँ से मिलाया, ये देखिए। तो देखिए यहाँ से ये हमारे फिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। तो यहाँ देखिए पूरा हमारा ब्लाउज में इस तरह से फ्रंट पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया विद पैड। ये देखिए, तो देख सकते हैं आप कितनी आसान तरीके से मैंने आपको पूरा फ्रंट पार्ट बना के तैयार करके दिखाया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।